फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वो बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में जो कि आपके टेक्निकल असिस्टेंट जो एफ आर आई देहरादून में वैकेंसीज़ आउट की गई थी 2020 में उसका फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है अभी जल्द सभी के ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं अभी एम की वैकेंसीज के लिए दोबारा से री फॉर्म भरवाए गए थे उनका भी एग्जाम जल्दी करवाया जाएगा तो कैंडिडेट अपनी तैयारी में लग जाएँ और जिन कैंडिडेट का टेक्निकल असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है और कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है इतना कम कट ऑफ रहा है कि कैंडिडेट देखते ही चुकरा जाएंगे कि क्या हम भी ऐसा दे सकते थे इतना अपना भी सिलेक्शन हो सकता था इतने कम कट ऑफ में तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है मैं आपको कट ऑफ दिखाऊँगा फिर आपके जो सिलेक्शन लिस्ट है वो दिखाऊँगा उनका ज्वाइनिंग अभी जल्दी होने वाला है तो कैंडिडेट को पहले आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे एफआईआर आई देहरादून की तरफ से यह बहुत ही बड़ी टे, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट की गई थी 2020 में जिनकी एग्ज़ाम 2021 में लगाई गई थी अभी आप देख सकते हैं इसमें बायोलॉजिकल साइंस की वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें सैंतीस वैकेंसी टोटल आपकी आउट की गई थी जिनके कट ऑफ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अदर की इकसठ ओ की छप्पन एस की पचास और ई की तिरपन उसके बाद में आप आपकी टेक्निकल असिस्टेंट फिजिकल साइंस की आपकी वैकेंसी थी 22 वैकेंसी थी बहुत ही बड़ी वैकेंसीज आउट की गई थी दोनों पोस्ट पे लेवल सिक्स की ये पोस्ट आउट की गई थी जिसमें अदर की आपकी 69 नाइन ओ की 63 थ्री एस सी की फिफ्टी एट की 61 आपके आपकी उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर आईटी आई टी की विकेंसी थी जिसमें आपकी दो वैकेंसी थी अदर की 61 वन की आपकी फोर्टी टेक्निकल असिस्टेंट एक आपकी उसके इंट्रोमेशन की आपकी वैकेंसी एक थी जिसमें अदर की फिफ्टी सेवन टेक्निकल असिस्टेंट फिजिकली है, हैंडी की फोर्टी सिक्स ही रही है और अक्सर यूसमैन की फिफ्टी सिक्स और स्पोर्ट्स मैन की फ़िफ्टी टू विकेंसीज की आपकी रही है तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम कट ऑफ रही है सिक्सटी से अब वो आपकी कट ऑफ नहीं देखने को मिल रही है सिक्सटी के साथ ही आप, आपकी कट ऑफ देखने को मिल रही है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज के बारे में बता दूं कि जो भी ग्रेजुएशन लेवल में जो भी साइंस सब्जेक्ट रहता है बायोलॉजी या फिजिक्स या कंप्यूटर आई या इंटोमेशन वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं लेवल सिक्स की वैकेंसीज रहती हैं बहुत ही शानदार पोस्ट रहती हैं तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है जिनकी लिस्ट में अभी आपको दिखाने वाला हूँ जिनका भी नाम आता है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उनका जल्दी ज्वाइनिंग आने वाला है सबका यह आप देख सकते हैं एफ आर आई देहरादून की तरफ से ये आउट किया गया जिसमें साफ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जिनके फाइनल रिजल्ट के आधार पर पूरा कंप्लीट फाइनल लिस्ट आपकी बनाई गई है 22 अगस्त को ये रिजल्ट जारी किया गया 62 पदों पर ये वैकेंसीज आउट की गई थी बहुत ही बड़े पदों पर ये दो में ये वेकेंसीज आउट की गई थी अभी भी आपके डी में ये बहुत बड़ी वैकेंसीज आने वाली हैं मैंने इसके आपको वेबसाइट पर डाल दिया है मेरी वे पर आपको वहाँ पे जाके देख सकते हैं डी में वैकेंसीज आउट की जाने वाली है जिसके भी बात साइंस है सब्जेक्ट बी एस में हुआ है ज़रूर फील कर सकते हैं इसमें बहुत ही शानदार पोस्ट रहती है तो इसमें देख सकते हैं आपका सभी का नाम दिया गया है पहले नाम पे गरिमा नाथ हैं सबसे ज़्यादा उनके आदर में सिलेक्शन हुआ जिनका अपना नाम चेक कर सकते हैं इसकी लिस्ट आपको वे टू जोब डॉट कॉम पर आपको मिल जाएगी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको देख सकते हैं इसकी कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं जितने भी आपके बायोलॉजिकल साइंस की वीकेंसी थी टोटल आपकी सैंतीस वैकेंसी पर यह सेलेक्टेड कैंडिडेट को दिया गया है उसके बाद में आपके जो फिजिक्स की आपकी वीकेंसी थी उसमें ट्वेंटी टू पोस्ट पे आपका दिया गया है इसमें कोई भी आपकी स्टैंड बाई में नहीं रखा गया है बाद में आपको बता जाएगा जो भी कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं तो उनका स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट को लिए ज्वाइनिंग की लिस्ट अलग से जारी की जाएगी उसके बाद में आपकी मेंटेनेंस आईटी कंप्यूटर की दो वैकेंसी इंस्टोमेशन की आपकी एक वीकेंसी आपको सब में दिया गया है कि प्रणाम अंतिम है इसमें पुलिस वेरिफिकेशन चिकित्सा प्रमाण पत्र शैक्षणिक और दस्तावेज भारतीय अनुसंधान प्रधान नियम के अनुसार औपचारिक के अधीन है इसमें सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होने के बाद में आपको कंप्लीट जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ भी आपके रिलेटेड है वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के जाने वाले हैं और पुलिस वेरिफिकेशन आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है तो वहाँ पे अपने जल्दी से जल्दी करवा के वहाँ पे सेंड करें जिससे आपका जल्दी से जल्दी आपका जॉइनिंग हो जाए ऐसे आप ज्वाइनिंग पा सकते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं आप अपलिकेशन फॉर्म ज़रूर भरें और बी कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है अभी आई कैंडिडेट और बी कैंडिडेट के लिए डी में बहुत बड़ी पोस्ट आउट की गई है उन्नीस पदों पर पोस्टल पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई हैं तो जिसको जरूर भी अप्लाई करें और बहुत सारी डिफेंस की वैकेंसी भी आती हैं उनको जरूर अप्लाई करते रहें उनकी कट ऑफ बहुत ही कम रहती है अभी आजकल अग्निवीर होने के कारण थोड़ा सा कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है और एक पेपर एग्ज़ाम के बहुत ही ज़्यादा टफ़ बनाते जा रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है जल्दी सभी की वीडियो मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा जिसमें आपके एग्जामिनेशन के आधार पर जितने भी कट ऑफ रह रहा है और साथ में जिस कैसे पेपर आपके आ रहे हैं कंप्लीट वीडियो वहाँ पे आप के दे सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी धन्यवाद दोस्तों